वाल्मीकि रामायण के अनुसार सबसे पहले शत्रुघ्न का ध्यान किया गया है, जाके सिमरन्ते रिपुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मातुल कुल से संदेश आया कि चारों कुमारियां हमारे यहां भेजो। दशरथ व्याकुल हो गए के कई के मायके से आया है संदेशा। दशरथ ने कैकेयी की ओर देखा, कैकेयी ने कहा देखिए उनके अवज्ञा तो नहीं कर सकते, मेरे पिता का संदेश है, भ्राता का, वहां के बंधु बांधवों का, सब व्रत उपवास किए बैठे हैं, अनेक अनुष्ठान कर रहे हैं, हजारों प्राणी कह रहे हम तो यज्ञ बंद ही नहीं करेंगे जब तक कि चारों कुमारियां चारों कुमार हमारे यहां ना आ जाए। बड़े व्याकुल दशरथ। दशरथ ने कहा भाई गुरुदेव से आज्ञा ले लेते हैं, जैसा गुरुदेव कहें वैसा कर लेंगे। के शांत हो गए। गुरु आज्ञा गरी असी मही असी। गुरुदेव ने कहा ऐसा कर लीजिए कि दो बच्चे चले जाएं, दो यहां रह लें। भाई वहां मातुल कुल में भेजना ही है। मातुल करते मामा, मामा के घर मायके में। मातुल का अर्थ है मामा, कि मामा बुला ही रहा है, उधर से अगर आदेश ही प्रार्थना ही आई है। दशरथ तो रह नहीं पाएंगे राम के बिना। के को समझा है उन्होंने कि प्राण चले जाएंगे दशरथ के, दशरथ एक पल भी राम के बिना रह नहीं पाते, किसी एक बालक को भेज देते हैं। तो फिर ये बात केकेयी पे ही डाल दी गई कि केकेयी जिन को भेजना चाहे भेजते। केकेयी प्रसन्न हो गई, गुरु की आज्ञा का भी पालन करना है, मातुल कुल का भी मायके से भी जो प्रार्थना ही है उसकी भी अवज्ञा नहीं की जा सकती, उस निवेदन को। तो देखिए माँ कितनी सावधान है। माँ ने शत्रुघ्न से कहा उठो, शत्रुघ्न से कहा आप जाओ। उनकी पत्नी श्रुति कीर्ति। लेकिन दशरथ को यह लगा कि छोटा कुमार है, इसका भी तो मन कहां लगेगा वहां बिना राम के बिना लखन के, और ये तो रह नहीं पाता बिना भरत के, भरत के बिना तो ये भोजन नहीं करता। और ये बात तय थी, कितना ही मनाओ शत्रुघ्न भोजन नहीं करते थे, भैया के साथ बैठने की आदत थी, भैया के संग खाने पीने की, उन्हीं के संग विश्राम करते। और अब तो स्पष्ट हो गया था कि वो दान कर दिए गए मांडवी को, अब तो मांडवी के हैं, वो मांडवी के दास है, भरत के दास है, भरतानुचर हैं, भरतानुयायी हैं, भरतानुचर। अनुचर कहते हैं दास को। शत्रुघ्न तो भरत के अनुचर हैं, भरत संपदा हैं, वो मांडवी पुत्र हो गए। इसे दशरथ ने कहा इसका न तो मन लगेगा और ये धर्म का भी कैसे निर्वहन करेगा, तो धर्म निर्वहन के लिए भरत को भी भेज दिया जाए। और भरत को शत्रुघ्न को भेज दिया गया। लेकिन महर्षि वाल्मीकि लिखते अनघत आपततः, अनघ शत्रुघ्न कौन जिसे अनघ नहीं है, अनघ
अनक कहते हैं पाप रहित है, निष्पाप है, भोला है, निश्चल है। अनघ का अर्थ है कि किसी की प्रगति को देखकर आप विचलित न हो, किसी की प्रगति को देखकर अत्यंत हर्षित हो आप, किसी की पद प्रतिष्ठा को देखकर, किसी के उन्नयन उत्थान को देखकर, किसी के उत्कर्ष को देखकर, अन्यों की ऊंचाइयां देखकर आप बल्लियों उछलने लगे, किन्हीं की ऊंचाइयां देखकर आपको हर्ष हो जाए, आप तथा और स्वप्न में भी मिथ्या न बोले, आप सपने में भी आपसे अपवचन न निकले।